हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल घर की रसोई विद मंजू। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंडियन स्टार्टर्स रेसिपी, जो कि है वेज हरियाली कबाब। बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट सी रेसिपी है। तो चलिए सबसे पहले इसे बनाने के लिए क्या क्या लेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी पालक। ये मैंने पालक ली है और इसको रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद मैं एक पैन में थोड़ा सा घी या ऑयल, जो आप लेना चाहें, बहुत ही थोड़ा सा इसको मैं इसमें सॉटे कर लूँगी। इसको मैं बॉईल नहीं करूँगी, इसको इसमें सॉटे कर लूँगी ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। ये देखिए, इस तरीके से इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक निकल चुका है। तो ये देखिए, इसी पैन में मैं अब लूँगी एक कटोरी में मटर मैंने ली थी, इसको भी मैं इसी तरीके से इसमें सॉटे कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए, इनको भी मैं निकाल लूँगी। तो हमारे जो मटर और पालक हैं वो अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से फ्राई कर लिए हैं और अब मैं इसको ग्राइंडर में डालूँगी और इसे मुझे ग्राइंड करना है। ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंडर में डाल दिया है। मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और इसको कर लूंगी ग्राइंड। फाइन पेस्ट नहीं रखना है मुझे, इसलिए मैंने इस तरीके से देखिए ग्राइंड किया है इसको। थोड़ा दरदरा सा पेस्ट है ये। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे ये ली है पत्ता गोभी, जो मैंने कद्दूकस की थी और इसका थोड़ा सा जो पानी है वो अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था। साथ ही मैंने लिया है एक आलू उबला हुआ, वो आलू बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। उसी के साथ मैंने लिया है यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, जीरा, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैंने ली है सूजी यानी रवा, सेमोलिना जिसे कहते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें मिला लिया है। आप इसको बाइंड करने के लिए चाहे तो रोस्टेड बेसन भी ले सकते हैं, यानी रोस्टेड ग्राम फ्लोर भी ले सकते हैं। तो ये मैंने इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे। आप और भी वेजीज चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें गाजर डाल सकते हैं सॉटे करके, आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं। तो ये देखिए, पेस्ट हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, दो तरीके का। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के इसके कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए, कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। इस तरीके से एक काजू इसमें ऐसे चिपका दूँगी मैं। सारे कबाब हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। कितना हरा और भरा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हरा भरा हरियाली कबाब। जी हाँ, वेज हरियाली कबाब है ये। तो हम सारे कबाब इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहला काम आप करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक। तो ये देखिए, कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको डीप फ्राई नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है, उसमें इसको मैं इस तरीके से फ्राई करूँगी। अगर आप इसे डीप फ्राई करते हैं तो बहुत सारा ऑयल सोक करता है ये, तो हमें इसे बहुत ही धीमी आँच में इस तरीके से करना है। ये देखिए, हमारे ये फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही धीमी आंच में करेंगे तो ये अंदर का कच्चापन भी बिल्कुल चला जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी तरीके से ये फ्राई होंगे। ये देखिए, ब्राउन सा कलर आ रहा है। तो इस तरीके से धीमी आंच पे हमें सारे जो अपने कबाब हैं उनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया है, मैंने इस तरीके से बनाया है। ये भी बहुत टेस्टी बने थे, तो आप इस तरीके से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चलिए इन्हें करते हैं सर्व। तो ये देखिए, हरा भरा हरियाली कबाब यानी वेज कबाब बिल्कुल तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।